और अहम खबर के साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला से सामने आ रही है सीएम के बयान के बाद फसल की खरीद शुरू हो गई है और आज से अंबाला में शुरू हुई धान की फसल की खरीद। और ये भी बता दें कि उपायुक्त अंबाला ने दिए फसल खरीदने के सख्त आदेश और पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल खरीद रही है सरकार और जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन किसानों को परेशानी हो रही है। तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल खरीद रही है सरकार और उपायुक्त अंबाला ने दिए हैं फसल खरीदने के सख्त आदेश। तो अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला में धान की फसल की खरीद जो है वो शुरू हो गई है और इसी के साथ पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनकी फसल की खरीद सरकार कर रही है, लेकिन जिन किसानों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन किसानों को परेशानी हो रही क्योंकि उनकी फसल की जो खरीद है वो लेट शुरू होगी और फिलहाल उन किसानों की फसल खरीदी जा रही है जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल सरकार खरीद रही है तो किसानों के लिए राहत भरी खबर अंबाला से सामने आ रही है और आज से शुरू हो रही है धान की फसल की खरीद। और बता दें कि उपायुक्त अंबाला ने फसल खरीदने के सख्त आदेश दे दिए हैं। धान की जो खरीद है वो अंबाला में शुरू हुई है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल खरीद रही है सरकार और जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको परेशानी हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है सीएम के बयान के बाद फसल की खरीद शुरू हुई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया कि किसानों की एक एक दाने की जो खरीद है वो सरकार करेगी और इसी के तहत आज अंबाला में शुरू हुई है धान की फसल की खरीद। तो सीएम के बयान के बाद धान की फसल की खरीद शुरू हो गई है और इसी के साथ पोर्टल पर जितने भी किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी जो फसल की खरीद है वो सरकार कर रही है, लेकिन जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अनरजिस्टर्ड जो किसान है उनको परेशानी हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजकुमार, जानना चाहेंगे कि अंबाला में धान की फसल की खरीद जो है शुरू हो गई है तो क्या कुछ और ज्यादा जानकारी आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इससे पहले जो है धान की फसल की जो खरीदारी थी वो बिल्कुल बंद पड़ी थी क्योंकि अधिकारियों का कहना था कि मंडी में जो फसल है धान की फसल है वो पूरी हो चुकी है और इसलिए उनकी खरीदारी नहीं की जाएगी। और इसी के साथ जो निर्मल सिंह है यहाँ से नेता है कांग्रेस के रहे हैं जी, और अब आजाद निर्दलीय लड़े हैं और उन्होंने सरे वहाँ जाकर मंडी में सरे हम चेतावनी दी सरकार को कि यदि दो दिन में सरकार ने पहले की खरीद शुरू ना की तो वो धरने पर बैठ जाएंगे और सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री का भी आज बयान आ गया और इसके बाद धान की फसल शुरू हो गई है जी। लेकिन अभी तक जो रजिस्टर्ड किसान है उनकी धान की खरीदारी ही शुरू की गई है, जो अनरजिस्टर्ड किसान है उनकी खरीदारी फसल की अभी शुरू नहीं हुई है और उनका कहना है कि हमारी भी खरीदारी शुरू की जाए और इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जो है अनरजिस्टर्ड किसान जो है उनकी भी धान का कोई सोल्यूशन निकाला जी। और किसानों की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है? किसानों का यही कहना है कि जितने भी किसान है चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है उनकी धान जो मंडी में आ चुकी है उसको खरीदा जाए क्योंकि सरकार ने पहले यही कहा था कि हर किसान की फसल को वाजिब दाम पर खरीदा जाएगा, लेकिन अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बात जो अधिकारी कर रहे हैं इसको दूर करने की बात है और किसानों की ये भी सरकार से मांग है कि वो जल्द ही जो अनरजिस्टर्ड किसान जो फसल लेके आए हैं उनकी फसल की भी खरीदारी उचित मूल्य पर की जाए जी। तो फिलहाल जो अनरजिस्टर्ड जो किसान है वो अपनी फसल मंडी में लेकर आ चुके हैं तो उनकी ओर से भी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो वो सामने आ रही है क्योंकि उनको जाहिर से बात परेशानी भी हो रही है, तो सरकार से खफा है या फिर उम्मीद है कि उनकी भी फसल आज नहीं तो कल नहीं तो फिर परसों जरूर खरीदी जाएगी? जी बिल्कुल, अनरजिस्टर्ड किसानों का कहना है कि वो यहाँ धान की फसल लेके आ गए हैं और जो थोड़ी बहुत उनमें नमी है वो धूप चढ़ने पे नमी खत्म हो जाएगी और उसके बाद उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि अगर सरकार ने ये फैसला रजिस्टर्ड किसानों की खरीद फसल की खरीद कर लिया है तो जल्द ही वे जो अनरजिस्टर्ड किसान है उनको रजिस्टर्ड करके उनकी फसल जो है
उसकी भी वाजिब दामों पे खरीद करें। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज से धान की फसल की खरीद शुरू हो गई है और पोर्टल पर जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी फसल जो है सरकार खरीद रही है, लेकिन जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपनी फसल लेकर मंडी तो पहुंच गए हैं लेकिन उनकी फसल की खरीद जो है बाद में